सत श्री अकाल गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है लल सिंह और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल नेशन फर्स्ट। तो भाई लोगों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, सर के चैनल को जाके सपोर्ट कीजिए। मेजर गौरवार्य सर का चैनल है। तो ये वीडियो पे रिएक्शन लेके आ रहा हूँ, जो इन्होंने टाइटल दिया हुआ है वो दिया हुआ है इलेक्शन ओनली वेन आई डिसाइड जरदारी, द चाणक्य डायलॉग्स विद मेजर गौरव आर्य। चलिए वीडियो देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैं हमेशा बताता हूँ कि मेजर गौरवार्य तीन चार टॉपिक लेके आते हैं और उस पर बात करते हैं। तो मैं आप वीडियो पूरी देखना, आपने शायद देखी होगी, लेकिन अगर आपको मेरे व्यू पॉइंट चाहिए तो फिर मैं वीडियो पॉज करके मेजर गौरवार्य सर की न्यूज़ बाय न्यूज़ मैं आपको वहाँ पे जब पहली न्यूज़ देते हैं तो उसको रोक के मैं अपने व्यू पॉइंट देता हूँ, फिर दोबारा सुनते हैं, फिर अगली न्यूज़ सुनते हैं, फिर व्यू पॉइंट देता हूँ। सो दैट के एंड में मैं व्यू पॉइंट कम ही देता हूँ, एंड में जो एंड वाला व्यू होता है, जो होता है मेजर गौरवार्य सर की न्यूज़ होती है, तो वो एंड में मैं रिएक्ट करता हूँ उस वक्त पे। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, दरखास्त है, निवेदन है, ठीक है, कि आप वीडियो पूरी देखना, आपके भाई का हौसला बढ़ेगा। प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, आपका ये हिंदुस्तानी भाई आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता है। चलिए मिलके वीडियो देखते हैं, वीडियो के एंड में भी फिर बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखना ताकि आपको समझ आ सके मेरे व्यू पॉइंट क्या है, क्योंकि मैं पॉज करके मेजर गौरवार्य सर के अपने व्यू पॉइंट भी बताता हूँ मेजर गौरवार्य सर के बाद। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन है जो 100 लोमड़ियां मरी थी तब जाके पैदा हुआ था, तो वो है आसिफ अली जरदारी। इसके सामने बिलावल नवाज सब बच्चे हैं। मेरे पास 250 लोगों की ऐसी टीम है जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, और मैं तो 1992 का वर्ल्ड कप जीत चुका हूं। टीम को कैसे मैनेज, एक ही बहाना लगाओ कि ये सब गद्दार है और इनकी वजह से 9 मई का वाकया हुआ है कि हमारे ऊपर अटैक हो गया और यहाँ पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है जिनका फोन कॉल उठाना ठीक नहीं है। इस रूट पे सभी जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, भंड मारो तो ऐसी मारो यार जो थोड़ा समझ में आए, फेंको तो इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि बंदा लपेट ले। झूठ बोलो तो यार प्योर खालिस झूठ मत बोलो यार, थोड़ा उसमें सच मिला दो कि निगलने में आसानी हो जाए। जब किसी को कड़वी घुट्टी पिलाओ, कड़वी दवाई पिलाओ, तो उसमें थोड़ा सा शहद या थोड़ी सी चीनी मिला दो कि उस बेचारे को भी निगलने के लिए आसानी हो जाए। लेकिन ना, नो नो नो, नॉट एट ऑल माय लॉर्ड, नॉट एट ऑल। अब आसिफ अली जरदारी ने इतना बड़ा भंड भरा। आसिफ अली जरदारी बिल्लो का बाप, जो कि पाकिस्तान में पहले प्रेसिडेंट रह चुका है पाकिस्तान का, आसिफ अली जरदारी ने दोस्तों इतना बड़ा भंड मारा है कि मैं आपको बताऊं, आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इस वक्त हैं तकरीबन 4 अरब डॉलर, वो भी मांगे तांगे के हैं। अब आप बोलेंगे 4 अरब डॉलर पाकिस्तान के कैसे आए, कैसे? थोड़ा सा चीन से मांगा, थोड़ा सा सऊदी अरब से मांगा, थोड़ा सा यूएई से मांगा, थोड़ा अमेरिका से मांगा, थोड़ा बगल के शर्मा जी से मांगा, फिर गुप्ता जी से मांगा, फिर वर्मा जी से मांगा। इस तरीके से मिला मुलू के पाकिस्तान के पास $4 अरब आ गए, ठीक है। अब पाकिस्तान को बड़ा फख्र है, इस पर बड़ा गर्व है, यार हमारे पास 4 अरब डॉलर है, और भी होने चाहिए। तो आसिफ अली जरदारी चुप कैसे रह सकते थे? ये आदमी इतना बड़ा सांप है, मैं आपको बताता हूं। आसिफ अली जरदारी चुप था, ये पूरी जब मार पड़ रही थी ना इमरान खान को, इमरान खान के फॉलोअर्स को, अभी भी पड़ रही है, आसिफ अली जरदारी चुप, बिल्लो चुप, बिल्लो भारत को, मोदी जी को, दुनिया भर में कश्मीर ये सब, लेकिन बाकी मामलों में चुप। अब बिल से निकल के आया है, देखिए मैं आपको बताता हूं इसके पीछे चक्कर क्या, इसने बोला क्या। इसने, बिल्लो के बाप ने ये बोला कि भाई मैं जब जेल में था ना, ये काफी टाइम से जेल में था, ये मतलब 8-10 साल रहा जेल में कुछ ऐसी, तो जब ये जेल में था तब कहता है कि मैंने अर्थशास्त्र के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर बड़ी किताबें पढ़ी हैं, यार मैं बड़ी किताबें पढ़ी मैंने इकोनॉमी के ऊपर, और मैंने इतनी किताबें पढ़ी इकोनॉमी के ऊपर, इतना ज्यादा मैंने पढ़ लिया कि मैं एक्सपर्ट हो गया। मेरे पास आइडिया है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं जो 4 अरब डॉलर के हैं इस वक्त, उसको 100 अरब पे कैसे ले जाना है, 4 अरब से 100 अरब कैसे ले जाना है, ठीक है। और क्योंकि मैं जेल में था और मैंने किताबें पढ़ ली जेल में, अगर ऐसे ही अर्थशास्त्री पैदा होने लगे दुनिया में तो फिर सभी जेल जाओ कुछ कुछ वक्त के लिए, पढ़ो और आसिफ अली जरदारी बन के निकलो। इस आदमी ने क्या करा मैं बता रहा हूं, ये खेल क्या खेल रहा, आपको हंसी आ रही होगी कि यार कहां 4 अरब कहां 100 अरब, और एक ड्रामा क्या कर रहा है, ड्रामा नहीं है, बहुत चतुर लोमड़ी है ये, बहुत चतुर लोमड़ी है भाई।
इसने क्या करा है, ये मैंने जैसे आपको बताया ना, जब इमरान खान के ऊपर डंडे बरस रहे थे और उसके लोग, ये चुप बैठा था, इसने ना इधर की बात करी ना इधर की बात करी, ये तो पीडीएम का हिस्सा है, ये तो रूलिंग पार्टी का हिस्सा है, ये चुप। और धीरे धीरे बिल्लो को, बिल्लो के कान में फुसफुसाता रहता है, क्या बिल्लो एक काम कर, तू अमरीका चले जा बेटा, आ गई तू अमरीका से वापस, है बिल्लो रानी, हाय मेरी बिटिया, तू एक काम कर, अब तू इंग्लैंड चला जा, ठीक है बिल्लो, तू इंग्लैंड चला जा बेटा, फिर तू इंडिया चले जा, फिर तू यहां चले जा, फिर तू वहां चले जा। ये क्या कर रहा है कि ये माहौल बना रहा है अपने बेटे के लिए। अब इसने शगुफा छोड़ दिया, और आप ये मत समझिएगा आदमी बेवकूफ है, अगर पाकिस्तान में कोई पॉलिटिशियन है, अगर पाकिस्तान में कोई सियासतदान है जो 100 लोमड़ियां मरी थी तब जाके पैदा हुआ था, तो वो है आसिफ अली जरदारी। इसके सामने बिलावल नवाज सब बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके सामने। अब मैं इसका गेम बताता हूं आपको, जरदारी का गेम ये है दोस्तों कि आसिफ अली जरदारी को ये पता है कि इस वक्त जो पूरा मामला संभाल रही है ना पाकिस्तान में, पूरा मामला संभाल रही है दोस्तों पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की फौज है। आप गेम देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बड़ा मजा आएगा, ध्यान से सुनिए। जो गेम संभाल रहा है ना पाकिस्तान में, वो कौन संभाल रहा है यार, वो संभाल रही है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान की आर्मी गेम संभाल रही है अब, यानी कि जो गेम है, यानी कि गेम किसको कह रहा हूं, 9 मई के बाद जो इमरान खान के लोगों ने बिल्कुल उत्पात मचाया था, आग लगा दी थी, राइट, उसको, वो गेम कौन संभाल रही है, पाकिस्तानी फौज। यानी कि गेम शहबाज शरीफ की सरकार नहीं संभाल रही, नहीं संभाल रही, तभी तो बहुत संभाल रही है, या तो ये संभालते या संभालते, फौज ने बोला जी हम संभालेंगे, हम और आईएसआई मिलके, तो फौज लगा दी कुट सबकी, पकड़ पकड़ के उठा उठा के। इससे क्या हुआ है कि शहबाज शरीफ हो गया निहायती कमजोर। अब शहबाज शरीफ की जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये जो पार्टी है इसकी कहीं पर सरकार तो है नहीं, ना इसकी खैबर पख्तूनख्वा में सरकार है, ना इसकी पंजाब में सरकार है, ठीक है, ना इसकी बलूचिस्तान में सरकार है, ना इसकी सिंध में सरकार है, इसकी सरकार कहीं भी नहीं है। तो ये कमजोर है, इसको लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नहीं है, ये इस्लामाबाद का मेयर है, 20-22 मील लंबा जो एरिया है इसका मेयर है, इसकी यहीं पर चलती है, इसके बाहर कहीं नहीं चलती, और काफी हद तक सच भी है। तो जरदारी को दिख रही है अपॉर्चुनिटी। तो जरदारी ने क्या सोचा, जरदारी ने सोचा यार मैं तो करप्ट हूं, मुझे तो लोग 10% बोलते हैं मिस्टर 10%, मैंने तो हर चीज में धांधली कर रखी है, मेरा नाम ही आसिफ अली जरदारी है, राइट, और प्रधानमंत्री मैं तो बन नहीं सकता क्योंकि मैं राष्ट्रपति बन चुका हूं एक बार, वैसे ही लोग थूकते हैं मेरे नाम पे क्योंकि मैं चोर इतना बड़ा, जरदारी ने चोरी करी है। अब जरदारी का यह कहना है कि बिल्लो बनेगी प्रधानमंत्री, तो जरदारी शहबाज शरीफ की जड़ें काट रहा है। और पाकिस्तानी क्योंकि ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कुछ कुछ लोग हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान में, दे मेक अ लॉट ऑफ सेंस, लेकिन ज्यादातर जो उनका आवाम है वो पढ़ा लिखा नहीं है, मदरसा एजुकेशन इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, ठीक है, और वैसे भी उनके यहां 50 किस्म के तो एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए ये, इसके लिए वो, तो उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ये क्या कर रहा है ना, ये इस लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ लिटरेसी का फायदा उठा रहा है, इसने पाकिस्तानियों को सपना दे दिया। और ये सपने का उसको दिमाग कहां से आया कि मैं ये सपना दे सकता हूं, उसने बोला यार जब इमरान खान झूठी बातें कर सकता है और प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो मैं झूठी बातें करके अपने बेटे को प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बना सकता। इमरान खान ने बोला मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, बोला इमरान खान ने, इमरान खान ने बोला कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, बोला इमरान खान ने, इमरान खान ने बोला कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनूंगा तो वीजे की लाइनें इतनी लंबी लग जाएंगी पाकिस्तान में कि जो गोरा है ना, गोरा आके कहेगा मुझे पाकिस्तान में नौकरी करनी है, बोला इमरान खान ने। इमरान खान ने बोला कि जब मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो पाकिस्तान के पासपोर्ट का जो रुतबा है, जो उसकी इज्जत है, वो दुनिया पर टॉप पे चली जाएगी, बोला इमरान खान ने। इमरान खान ने बोला कि जब मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर होऊंगा तो पाकिस्तान की करेंसी, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी, पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया पर टॉप पे चली जाएगी, क्योंकि मेरे पास 250 लोगों की ऐसी टीम है जो वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स हैं, और मैं तो 1992 का वर्ल्ड कप जीत चुका हूं, टीम को कैसे मैनेज करना है मुझसे बेहतर कौन जानता है, बोला इमरान खान ने। हुआ क्या, इमरान डू ने तो ये भी बोला था कि जो 200 अरब रुपए पुर्कियों के बाहर पड़े हुए हैं ना, जो जो ये नवाज शरीफ वगैरह दूसरे लेके गए हुए, जरदारी जरूरी मैं लेके आऊंगा, 200 अरब रुपए के 2 रुपए नहीं लेके आया है वहां से, बहुत झूठा इंसान है। 3.5 साल रहा लेकिन करा कुछ नहीं, 3.5-4 साल इमरान खान प्रधानमंत्री रहा पाकिस्तान का, टाइम टाइम फिस भाई साहब कुछ नहीं कर पाया। और एंड में इमरान खान ने जब कुछ नहीं कर पाया, सबके सामने बोल दिया कि बाजवा ने तो मुझे करने ही नहीं दिया कुछ, बाजवा तो चाहता ही नहीं था मैं करूं, बाजवा तो ये नहीं चाहता था, बाजवा तो ये नहीं चाहता था, बाजवा ने तो मुझे हिलने नहीं दिया। ओ भाई साहब, जब बाजवा इतना ज्यादा आपके ऊपर हावी हो रखा था तो आपने उसको 3 साल का एक्सटेंशन क्यों दिया,
क्यों दिया आपने बाजवा को? जब बाजवा जो खराब बना हुआ, एक दिन में तो खराब नहीं बना होगा। जो शख्स का किरदार होता है खराब, वो तो खराब ही रहता है, ठीक है। जो अच्छा होता है वो अच्छा रहता है, मेरा ऐसा मानना है कम से कम। तो यार ये इन्होंने ना गेम कर दी, ये जरदारी का पूरा गेम है। उसको पता है कि इमरान खान झूठ बोल के बन सकता है, बिल्लो भी झूठ। तो उसने पहले पाकिस्तान में सबसे बड़ी दुखती रख किया है। भाई साहब, पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी दुखती रख है ना, वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है नहीं। हर समय पाकिस्तानी कंपेयर करते रहते हैं, श्रीलंका का इतना है, भूटान का इतना है, बांग्लादेश का इतना है, इंडिया का इतना है, इंडिया का इतना है, यही करते रहते हैं पूरे दिन। पाकिस्तानी पूरे दिन इनके, चाहे मीडिया वाले हों चाहे यूट्यूबर हों, डे एंड नाइट उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिनने का काम है और कुछ नहीं करते। तो इसको पता है दुखती रख है, बोल दो यार 400 कर दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, चाहे 2 अरब खुद ही खा ले या 400 कर ले। लेकिन कह रहा नहीं 400 कर दो, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये तो पहली खबर है। दूसरी खबर है, अच्छा इस पे बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने भी आपको लोगों को, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैंने बहुत पहले बताया था, जब ब्रांडू को निकाल भी दिया था तब भी मैंने आपको बोला था, उस वक्त से मैं, मेरे दिमाग में ये खटकने शुरू हो गया था कि ये बिल्लो जब फॉरेन मिनिस्टर बनाया था ना जरदारी ने, तो ये प्राइम मिनिस्टर की लाइन पे है, सबसे ऊपर है, इसको प्राइम मिनिस्टर बनाने की चक्कर में है। तो मेरे को भी लगता है कि आर्मी, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि आर्मी को सारे उसने आजमा लिए हैं, अब बिल्लो की बारी है आजमाने की। अब बिल्लो को बिठाएंगे आर्मी वाले प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे, वो जोड़ तोड़ करके सरकार बना देंगे, उसके बाद बिल्लो रानी को नॉमिनेट किया जाएगा और सारे के सारे कहेंगे ठीक है जी, बिल्लो रानी प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का। तो ये होना है। बाकी मेजर गौरवारे सर ने सही बोला है कि अनपढ़ लोग हैं, मदरसा छाप है, वो तो सबको मैं कब से चलाता रहा हूं, आप लोगों को पता चल गया, 99% मदरसा छाप है सारे जाहिल। उनको बस जरदारी ने ये बोल दिया कि मैं चार से चार सौ अरब भी बोल देता ना, तब भी पाकिस्तानी ने कहना था हाँ मान लेना था। अब ये नैरेटिव बिठाया जाएगा उनमें। अब आप लोगों ने देखा होगा कि पाकिस्तान में ना सब पाक फौज जिंदाबाद करने लग गए होंगे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे, अब बात नहीं करते जी हम ऐसा, ये कहते आजादी है हमारे मुल्क में, हम पाकिस्तान की फौज ने ऐसा टाइट किया है। अब पाकिस्तान की फौज के पहले बकवासबाजी मारते थे, आई मैं इमरान्डू की देख रहा था वीडियो, उसमें ना लिटरली इमरान्डू के आंसू नहीं निकले, बाकी रो पड़ा था, कहता मैं अकेला हो गया हूँ, मुझे सब छोड़ के चले गए। बहुत उछलने का शौक था ना, ये सोचता था कि मैं फौज से ऊंचा होऊंगा, उसको पता नहीं था तुम्हारा बाप है फौज। चलिए ये जरदारी की एक तैयारी हो गई है। एक यार मेरे को ना दिमाग में नहीं आ रहा, एक बंदा और नॉमिनेट है जिसकी पेंट उतारी थी, खा खान ऐसा ही कुछ नाम था उसका, जिसकी पेंट उतारी गई थी। एक वो है पीएम की होड में, एक ये है, और तीसरा बंदा जो है वो शाम उमेद कुरेशी होगा। ये तीन बंदे इस टाइम हैं, कुरेशी और खाकान ओबेसी जिसकी पेंट उतारी गई थी, और बिल्लो रानी। बिल्लो रानी इस टाइम टॉप पे है पीएम की। ये तीनों में से आप देख लेना, एक बंदा पीएम बनेगा तीनों में से, चौथा बंदा कोई नहीं बनेगा। इमरान्डू का तो पत्ता साफ हो गया, वो नहीं बनेगा। हमारे प्यारे नसीरुद्दीन शाह साहब की, अब नसीरुद्दीन शाह साहब सीनियर सिटीजन है और बड़े कलाकार हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नसीरुद्दीन शाह साहब ने फिर से एक बात कह दी जो मुझे यहाँ पे एड्रेस करनी पड़ेगी, और मुझे लगता नहीं था कि शाह साहब को ऐसी बात करनी चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि वेन एवर यू कमेंट अबाउट समथिंग, डोंट कमेंट बिकॉज यू हैव टू कमेंट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज एज एंड सीनियोरिटी, बुजुर्ग हैं, मैं ज़्यादा उनको गलत बातें नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो बेस्ट इज नॉट टू कमेंट ऑन इट बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर। यार नसीरुद्दीन शाह पब्लिक फिगर है, बड़े एक्टर हैं, नसीरुद्दीन शाह इज नॉट अ स्मॉल नेम, ए बिग नेम। और और मैं इसमें बात कह दूं, देखो मैं इसमें भी नसीरुद्दीन शाह ने, मैं जितनी भी स्टेटमेंट सुनता ना भाई, मानता हूँ एक्टर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, लेकिन वही है ना, आदत होती है भंड मारने की। पहले भी उस मुसलमानों पर कमेंट किया था, मुझे डर लगता है यहाँ पे, पता नहीं क्या क्या बोला था मैं जो इस बात से, यार अगर आपको डर लगता है या कुछ लगता है तो आप फिर पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते, ठीक है। जिसको डर लगता है पाकिस्तान ज्यादा सेफ लगता है तो पाकिस्तान, अरे अमेरिका का वीजा ले लो जहां पे ज्यादा सेफ लगता है। हम कौन सा कह रहे हैं कि अमेरिका मत जाओ, जाओ भाई अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, लंदन जाओ, जहां मर्जी जाओ, जहां तुम्हें सेफ, जाना भी नहीं है और यहां बैठ के गंद भी फैलाना। मुझे ऐसे लोगों से बड़ी नफरत होती है, ये भी मेरे को पता है, मैंने न्यूज आप लोगों ने देखी होगी, मैं बताता हूँ इसके बारे में क्या क्या भंड क्या बस यार। शाह कहते हैं कि चलो सुनते हैं, सिंधी इज नो लॉन्गर स्पोकन इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में सिंधी नहीं बोली जाती, ये भंडी मारा। तो पाकिस्तानी एक्टर है मंशा पाशा,
तो इसने बोला है कि देखिए मैं एक सिंधी घराने से मेरा ताल्लुक है, मतलब मेरी शादी एक सिंधी घराने से हुई है, ऐसा कह रहे हैं और हम लोग बड़े प्राउडली बोलते हैं। तो नसीरुद्दीन शाह साहब का स्टेटमेंट क्या है, देखिए दे हैव बलोची, शाह साहब बलोच, बलोच ठीक है, दे हैव बरी, दे हैव सर। इससे पता चल जाता है कि बंदे को कितनी नॉलेज है। यार मेरे को ये नहीं समझ आती, जब आपका काम ही नहीं है पॉलिटिक्स का, जब आपको जियो पॉलिटिकल का पता नहीं है, या गेमों का पता नहीं, क्यों पता क्या हो? ये सिर्फ फेम लेने के लिए आप बंदा डंप हो जाता, बूढ़ा हो जाता थोड़ा सा दिमाग, मैं ये नहीं कहता लेकिन दिमाग भी थोड़ा सा ना कम काम करना बंद कर देता है, क्योंकि बॉडी के हर एक चीज़ की लिमिट होती है, एज है, बंदे को उस बातों में पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्या जरूरत है पाकिस्तान के चक्करों में फिरते हैं ऐसे ही बस। राइट की दे हैव पश्तो, सिंधी इज ऑफ कोर्स नो लॉन्गर स्पोकन इन पाकिस्तान। अच्छा ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत गलत है, फैक्चुअली इनकरेक्ट है। आपको पूरा हक है आप पाकिस्तान के बारे में बोलें, इंग्लैंड के बारे में बोलें, इंडिया के बारे में बोलें, जिसके बारे में बोलें, लेकिन ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है। सिंधी बोली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, अब मैं आपको पूरा मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा, सिंधी बोली जाती है पाकिस्तान में, ठीक है, कराची में ज्यादातर और हैदराबाद सिंध में ज्यादातर लोग जो थे महाजर जो भारत से आए थे वो वहां पे थोड़ा बहुत सेटल हो गए हैं, राइट। तो उर्दू तो वही लोग बोलते हैं, बाकी जो लोग हैं वो तो सिंधी बोलते हैं, सिंधी गाने, सिंधी खाना, सिंधी पहनना, सिंधी कल्चर, ये तो अलाइव एंड वाइब्रेंट है। तो नसीरुद्दीन शाह साहब का ये कहना कि साहब वहां पे सिंधी नहीं बोलते, मुझे नहीं पता उनको किसने बात बताई है, लेकिन मुझे पता है वो सिंधी बोलते हैं, खुशी खुशी बोलते हैं सिंधी, खुशी खुशी पंजाबी बोलते हैं, खुशी खुशी बलोच बोलते हैं, खुशी खुशी पश्तो बोलते हैं, सराइकी की बात कर लीजिए आप, और आप किसी भी लैंग्वेज की, आप पहाड़ी की बात कर लीजिए आप, ठीक है, आप और भी जितनी जबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं, पाकिस्तानी अगर कोई जबान नहीं बोलते तो वो सिंधी पंजाबी बलोच या पश्तून नहीं है, वो सब बोलते हैं अच्छी तरीके से, वो उर्दू नहीं बोलते ढंग से। आई थिंक नसीरुद्दीन शाह साहब को ये बोलना चाहिए था कि पाकिस्तानी जो है उर्दू नहीं बोलते, छोड़ के जो महाजर, छोड़ के महाजर, उनकी जबान साफ है महाजनों की, जब वो उर्दू बोलते हैं तो लगता है हाँ कोई उर्दू बोल रहा है, उनका जो प्रोनंसिएशन है उर्दू का, उनका जो डिक्शन है उर्दू का वो परफेक्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये यू नो ये पंजाबी नहीं बोलते या ये फिर सिंधी नहीं बोलते, ये ओ भाई बिल्कुल बोलते हैं ये, और मैं तो बोल रहा हूं कि यहां तक बोलते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पाकिस्तानी कि जब ये इंग्लिश बोलते हैं या उर्दू बोलते हैं फिर लगता है पंजाबी बोल रहे हैं, है ना, या भाई बोल देते हैं ना एक साइड में कि दिस इज द मैयर ऑफ माय प्लेयर, खिड़कियां खड़क जाती हैं भाई साहब, व्हेन व्हेन दे से दैट द इंडियन लॉबी इज वेरी स्ट्रांग, गेस्चर, आप कैसे कह सकते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस सिंधी नहीं, आप गेस्चर को गेस्चर बोलते हैं, सिंधी सिंधी भी बोलते हैं, और वो सिंधी बोलते हैं ना, जब उर्दू बोलते हैं लगता है सिंधी बोल रहे हैं, सिंधी बोल लगता है सिंधी बोल रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं। मुझे लगता है कि नसीरुद्दीन शाह साहब को ऑन अ सीरियस नोट मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें उनको करनी चाहिए थी, और मुझे नहीं लगता कि ही शुड हैव सेड ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ना कि ऐसा यू नो किसी ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ खैर, लेकिन ये फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि वो लोग सिंधी नहीं बोलते। अच्छा इसमें मैं तो कुछ बातें ऐड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान में ना जो जो अपनी जड़ों से टूटे हैं बंदे वो टूटे हैं सिर्फ पंजाब के, ठीक है, क्योंकि पंजाबी को एज ए वो थर्ड क्लास लैंग्वेज समझते हैं, जो पंजाबी बोलता है ना जब उनको लड़ना होता है या कुछ करना होता है तो वो पंजाबी में बात करते हैं, नहीं तो मोस्टली वो कहते हैं कि उर्दू में बात करो, जबकि उन्होंने उनको उर्दू भी नहीं आती, और तो और मैंने यहां तक नोट किया कि उनको पंजाबी भी सही से नहीं बोलनी आती, पंजाबी की भी उन्होंने माँ बहन एक करके रखी हुई है, पंजाबी भी सही नहीं बोलते आप, क्योंकि मैं पंजाब से हूँ मुझे पता है कि पंजाबी, क्योंकि पंजाबी एक्चुअल लैंग्वेज गुरमुखी ही है, ठीक है, जैसे आपके हिंदी होती है काखा में लिखी होती है ना, हिंदी काखा में लिखी जाती है, ऐसे जो पंजाबी है इसमें होता है उड़ाड़ा, तो गुरमुखी की लैंग्वेज है पंजाबी, क्योंकि पाकिस्तानी कोई पंजाबी लैंग्वेज नहीं है, पाकिस्तानी कोई तो लैंग्वेज ही कोई है, इंडियन लैंग्वेज है सारी, ठीक है, पंजाबी इंडियन होगी, उर्दू इंडियन होगी, अपना हिंदी इंडियन होगी, संस्कृत इंडियन होगी, तो इन्होंने पंजाबियों ने इनका खून कर रखा है लैंग्वेज का, क्योंकि ये अपनी जड़ों से टूट गए हैं ना, इनको पता ही नहीं कि हमारा हम कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो बाकी जो मैंने ये देखा है जो सिंधी हैं, बलोच के लोग हैं, ठीक है, बलोचिस्तान के लोग हैं,
या फिर उधर केपी के हैं, वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, वो अगर बात करते हैं बहुत कम उर्दू, वो मजबूरी में इनको असेंबलीज में आप देखते होंगे कि आप ये असेंबलीज वगैरह में बोलते हैं, जहाँ आपने मोस्टली वीडियो देखी होगी कराची वगैरह की, वहाँ पे उर्दू वगैरह बोलते हैं, लेकिन जहाँ पे आप थोड़ा सा इनका रूरल एरिया में जाओगे ना तो वहाँ पे प्योर बनते हैं, वो अपने अपनी लैंग्वेज को गाली नहीं समझते, जबकि पंजाब में पंजाबी वालों को गाली समझते हैं, जबकि पंजाब की लैंग्वेज ही पंजाबी है, गुरमुखी लैंग्वेज से स्टार्ट हुई थी। तो बात यह है कि इनको आता जाता कुछ नहीं है, ये सारी दुनिया में जो खून करते हैं ना, लैंग्वेज का खून किया इन्होंने, अपनी विरासत का खून कर दिया, अपनी धरती का खून कर दिया इन्होंने, ये जड़ों से टूट चुके हैं बंदे। इन्होंने तो उर्दू में भी पर्शियन वर्ड्स, अफगानी वर्ड्स और तुर्की के वर्ड्स ये यूज करते हैं, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से जोड़ ताड़ के उर्दू के बीच में घुसोड़ दिया, पंजाबी के बीच में घुसोड़े हुए हैं, गंद डाल रखा है इन्होंने पूरा। एक और खबर है पाकिस्तान से कि साहब आर्मी कॉल्स फॉर टाइटनिंग रूल्स ऑफ लॉ अराउंड मे 9 प्लानर्स। ये देखिए फोटोग्राफ, सब आसिम मुनीर साहब ज्ञान बांट रहे हैं और पूरे खाकी में बैठे हुए पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स उनके सामने, और ये इन्होंने बोला था कि जो 9 मई को जो अटैक हुए हैं इनको आर्मी एक्ट के तहत, ये चीफ ने बोला है फिर से कि हम इनको करेंगे और आर्मी एक्ट के तहत इनको ट्राई करेंगे, बोला कि रेफ्यूज बिहाइंड इमेजिनरी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस फ्यूटाइल। फौज ने ये बोला कि जो फालतू में जो ह्यूमन राइट्स का तुम लोग गाना गा रहे हो चल बिना दादा चल बिना, ये नहीं होगा। तो फौज ने बोल दिया कि भैया हम तो तुम्हें टांगेंगे और आर्मी एक्ट के तहत टांगेंगे। देखो एनी क्वार्टर्स एफर्ट्स टू क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन टू बी डेल्ट विथ आयरन हैंड्स, विथ एन आयरन हैंड, ठीक है आईएसपीआर, डील विद द सिचुएशन with a firm hand or with an iron hand, not with iron hands, it's not plural, it's singular. Oh my god, ek maine pehle bhi video dekhi thi major, maine usme react nahi kiya lekin usme bhi bahut maa behan ki ek ki thi major gorawariya sir ne inki english ki, wohi main abhi baat kar raha tha na english ki bhi itni galat, dekh lo ye newspaper hai jio news wale, ek apne news apne india ki newspaper dekho, aapko ek bhi galti nahi milegi, ek bhi galti, जो हमारे नेशनल न्यूज चैनल है या फिर न्यूज़पेपर है ना उसमें आपको गलती नहीं मिलेगी। ये आईएसपीआर का जो इनकी अकल देख लो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देख लो, ठीक है। तो ये है एक्चुअली में ये पढ़े लिखे भी ना बोलते हैं, ये सारे मदरसा छाप है, मैं इसलिए इनको सबको बोलता हूँ क्योंकि ये सारे मदरसा में पहले इनकी ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये पढ़ने लिखने के लिए आगे जाते हैं मदरसा में, तो ये इन्होंने जाना ही जाना है, तो ये मदरसा शाप का ही ये हालात है इनके, इनकी सोच भी मदरसा शाप वाली है। पढ़ा लिखा बिजर गौरव सर बोल देते हैं लेकिन मैं नहीं मानता, मतलब बहुत कम लोग हैं जो पाकिस्तान में मदरसा शाप वाली बात नहीं करते, लेकिन जितना मर्जी पढ़े लिखे हों सब मदरसा शाप है वहां पे। चले जी, तो फॉर्मेशन कमांडर्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ऑन वेडनेसडे कॉल फॉर अ टाइटनिंग ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ अराउंड द प्लानर्स एंड मास्टरमाइंड्स। बेसिकली पाकिस्तानी फौज ने मन बना लिया है, पाकिस्तानी फौज ने यह मन बना लिया है कि जो 9 मई का वाकया हुआ था जिसमें इमरान खान की पूरी सेना उतर के आ गई थी और उन्होंने बोला इसको जलाओ इसको जलाओ इसको तोड़ो, जो आपको पता है कोर कमांडर का घर, जीएचक्यू, सरगोधा एयरबेस, ये सब। अब पाकिस्तानी फौज ने रिएट्रेट करा है, कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। अच्छा पता नहीं कॉन्फ्रेंस वाला करते हैं यार पाकिस्तानी आर्मी वाले कोर कमांडर्स को, अभी कुछ समय पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी ये पता नहीं कौन से कमांडर की कॉन्फ्रेंस हो गई, ठीक है। अच्छा फौज में सभी कमांडर है, फिर लंगर कमांडर भी होता है, लंगर चलाता है, फिर सेक्शन कमांडर होता है, फिर प्लेटून कमांडर होता है, फिर ऊपर कंपनी कमांडर हो जाएगा आपका, फिर बटालियन कमांडर, ब्रिगेड कमांडर, डिप, ऐसा सारे पता नहीं कौन से कौन से कमांडरों को इसने पाकिस्तानी फौज के पकड़ रखा है और जनरल आसिम मुनीर लगा हुआ उनको बता रहा है कि हम छड़ेंगे नहीं, आना दो, छड़ना नहीं है मैंने। बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तानी आर्मी को पहली बार लगा, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ जब से पाकिस्तान बना है 14 अगस्त 1947 के बाद पहली बार। अच्छा इन्होंने कई सारे प्रॉब्लम्स देखे हैं, 1971 की जो सरेंडर था वो इन्होंने देखा है, ठीक है, जब मुशर्रफ ने लाल मस्जिद पे अटैक करवाया था इन्होंने ये देखा है, तो ऐसी बात नहीं, पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत अप्स एंड डाउन देखे हैं, मार्शल लॉज ये सब जिया का वक्त देखा है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी पे डायरेक्ट हमला लोगों ने कभी नहीं करा। और ठीक है कोई फौजी है जिसको सड़क पर गालियाँ दे दी और काम भी गाली वाले हैं इनके, लेकिन कभी ऐसा डायरेक्ट हमला नहीं हुआ, मुझे नहीं लगता कि डायरेक्ट ऐसा हमला हुआ, वो भी पंजाब में। हाँ बलूचिस्तान में किसी ने अटैक कर दिया वो अलग बात है, वो लोग आज़ादी चाहते हैं वो अलग बात है, खैबर पख्तूनख्वा में किसी ने अटैक किया, लेकिन पंजाब, लाहौर, द हार्ट ऑफ पंजाब, जो लाहौर क्या है, लाहौर का ना बड़ा सिग्निफिकेंस है और लोग समझते नहीं, यू नो हम इंडियंस ऐसे ही कहते हैं, बट
लाहौर का बहुत सिग्निफिकेंस है पाकिस्तानी माइंडसेट में। अगर इंडियन एयरफोर्स का प्लेन जाएगा ना और इस्लामाबाद में बम गिराएगा तो इनको इतना दिल नहीं दुखेगा, लाहौर में पत्थर मार दो दिल टूट जाएगा इनका, जनरल लाहौर नहीं देखा। इट्स अ वेरी इमोशनल थिंग फॉर द पाकिस्तानीज लाहौर। और मैं आपको बताता हूं कि जब लाहौर में ये अटैक हुआ ना, ये हजम नहीं कर पाए आपने, जबकि इनका हेडक्वार्टर रावलपिंडी में विच इज नियर इस्लामाबाद, लेकिन जब आप लाहौर में करते हैं ना, फिर यू आर चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट। और यही चीज हुई दोस्तों, और बड़ा है यहां पे। तो अब इन्होंने कसम खाई है कि एक एक को घसीटो, इवन इमरान खान। अब इमरान खान को बात बात पे तो इसको वो मिल जाता है, छूट मिल जाती है कोर्ट से, बेल और ठीक है जाओ और केस रफा दफा करो। अब इन्होंने बोला है कि रफा दफा करने दो कोर्ट को। उमरता बंदयाल है जो कि यू नो पाकिस्तान का वो है, क्या बोलते हैं उसको, चीफ जस्टिस है पाकिस्तान का, वो तो सगा है इमरान खान का। और खान साहब तुसी कैसे हो जी, देख के बड़ा अच्छा लगा आपको खान साहब, मजा आ गया खान साहब, आप मेरे कोर्ट में आए, चार चांद लग गए मेरे कोर्ट के। बड़ा नीरस था, बड़ा बेरंग था कोर्ट मेरा, आपके आने के बाद देखिए बाहर आ गई है कोर्ट में। आई कैन ऑल्सो सी ए रेनबो नियर द विंडो, खान साहब आपको दिख रही है, ये दिख रहा है आपको, रेनबो दिख रहा है। उमरता बंदयाल इज लाइक दैट, वो खान साहब का खास चेला, खास चेला भाई साहब, इमरान खान का खास चेला उमरता बंदयाल। अब पाकिस्तानी आर्मी ने बोला है कि ये सारे केसेस जो है ना बंदयाल से हटाओ। क्या करेगा बंदयाल, जब सुप्रीम कोर्ट में केस आएगा, जब उसके कोर्ट में केस आएगा तभी तो बेल देगा। अब वो कह रहे हैं उसको डालो ही मत वहां पे, उसको मिलिट्री कोर्ट में बुलाओ सीधा और ठोको इसको मिलिट्री कोर्ट में, इमरान खान को भी और उसके बाकी सब सपोर्टर्स को भी। तो सपोर्ट टाइट कर रखा बिल्कुल पाकिस्तानी फौज ने, और यहां पर बोल दिया है जितने भी कमांडर्स हैं, मुझे लगता है डिव कमांडर्स, कोर कमांडर यही सब होंगे, ब्रिगेड कमांडर ये सब, क्योंकि इतनी भीड़ वहां पे जो बैठा रखी है, मुझे नहीं लगता कि इतने डिविजन्स हैं पाकिस्तानी आर्मी में जितने उन्होंने बैठा रखे हैं। कुछ स्टाफ ऑफिसर्स भी होंगे आगे वाली चेयर्स में, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज द सीनियर लीडरशिप ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। और उनको क्लियर कट बोल दिया कि, और ये एक और मैसेज है पाकिस्तान आर्मी चीफ का कि तुम्हारे में से कोई भी हो ना जिसके लिए इमरान खान के लिए दिल धड़क रहा हो, किसी का भी ऐसा चक्कर हो कि दिल धड़क रहा हो, तो एक बात ध्यान रखना, मैं छाती फाड़ के तुम्हारा दिल निकाल दूंगा, ज्यादा धड़केगा तुम्हारा दिल तो। और लोगों का कहना है दोस्तों, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन लोगों का कहना है कि 100 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल चल रहा है, 100 से ज्यादा। अब इसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जिसको कहते हैं ना कहीं सुनी बात, ये मैंने सुना है पाकिस्तानियों से। अब पता नहीं इसमें कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन मास कोर्ट मार्शल चल रहे हैं पाकिस्तान आर्मी में। और पाकिस्तानी आर्मी को 9 मई का वाकया जो था वो एक प्रूफ मिल गया कि साहब अब हम हाउसकीपिंग कर सकते हैं, अब हम पूरा एक तरीके से घर को अपने शुद्ध कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो डिसेंटिंग वॉइसेस थे, जो कह रहे थे कि नहीं साहब चीफ ठीक नहीं कर रहे और ये नहीं कर रहा, उन सबको खत्म करो और एक ही बहाना लगाओ कि ये सब गद्दार हैं और इनकी वजह से 9 मई का वाकया हुआ है कि हमारे ऊपर अटैक हो गया और लोगों ने, आवाम ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया, अब इन सबको साफ करो। तो पाकिस्तानी आर्मी में ये भी सफाई हो रही है दोस्तों। अब अच्छा इस पे भी हम बात कर लेते हैं कि देखो मैं पहले जो इमरान डू है ना, इसका भी मिलिट्री कोड में केस चलेगा। मेजर गौरवर सर ने एक वीडियो में बोला था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा बाहर से, आएगा ये आएगा वो आएगा, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो मिलिट्री को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनके जो रिलेशन है ना बाहर मिलिट्री के, अमेरिका ही ज़्यादा करेगा, बाकी तो किसी के औकात नहीं है। चाइना ने बोला नहीं, उन्हें करना कर दो, तो अमेरिका के साथ अच्छे रिलेशन है मेरे हिसाब से। कोई आएगा भी बोल देंगे बैकडोर से कि यार करने दो हमें, ये बंदा आपके लिए भी सही नहीं है, वो अमेरिका को भी पता है। दूसरी बात ये है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इसको फांसी दे देंगे, लेकिन इसको 5-10 साल की जरूर लगेगी इमरान डू को इनवैलिड हो जाएगा ये, तुर्किस्तान में इनवैलिड कर देंगे ये। अब वैसे तो हो चुका है 70-80% इनवैलिड कर दिया इन्होंने, अब जो उनके दिल में धड़करी है ना तुर्किस्तानियों के, थोड़ा बहुत रहता है अभी भी, है 60-70% है तुर्किस्तानियों के दिल में इमरान डू धड़कता है, वो धड़कन भी इन्होंने बंद कर दिया है। ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएंगे, माइट भी हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तो पक्के ही हैं, तो तब तक इन्होंने इतना इसको बर्बाद कर देना है, इसके ऊपर ऐसे इल्जाम लगा के इमरान डू की कर देनी है, सट्टी बट्टी गुल कर देनी है इमरान डू की। अब देखते रहना इस पर क्या क्या इल्जाम लग, अभी तो बहुत इल्जाम लग रहे हैं कि अब तो इसका वो भी लग गया, वो एक मारा नहीं था कि कीनिया में मारा था ना, वो इनका एक रिपोर्टर मारा था, उसका इल्जाम भी लग चुका है इसके ऊपर, उसकी भी एफआईआर कट गई है इमरान डू के ऊपर कि इसने मरवाया है। उसके जो माँ है उस बंदे की, उस बंदे का नाम भूल गया मैं, जर्नलिस्ट का,
उसकी माँ ने बोला है कि इनके इमरांडू का नाम लिया उसने, उन्हें तीन चार बंदों का और नाम लिया पीटीआई के, कि इनके ऊपर भी इंक्वायरी की जाए कि इनका भी हाथ हो सकता है मारने में। अब उसकी माँ की स्टेटमेंट लेके उसके ऊपर केस बनेगा इमरांडू के ऊपर। इमरांडू बचेगा नहीं, जो कहते हैं ना इमरांडू आ जाएगा इमरांडू, मैंने तो 19-20 में ही बोल दिया था कि इमरांडू 22 नहीं पार कर पाएगा और उसके बाद इमरांडू वापस कभी नहीं पीएम बनेगा, क्योंकि इसकी हरकतें ही पता चल गई थी कि ये क्या कर रहा है, कभी भी पीएम नहीं बनेगा। चलिए हम आते हैं लास्ट न्यूज ऑफ द डे में, और लास्ट न्यूज ऑफ द डे दोस्त ये है, ये दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, बोला है कि इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक ट्रेड डायलॉग IUSSTD ये हो रहा है, क्योंकि आपको पता है प्रधानमंत्री मोदी यूएस जा रहे हैं, उसके पहले ये सब हो रहा है यहां पे। और इसका फोकस क्या है, ऑन वेज टू फैसिलिटेट डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज लाइक सेमीकंडक्टर, स्पेस, टेलीकॉम, क्वांटम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस एंड बायोटेक अकॉर्डिंग टू द इंडियन एम्बेसी इन द यूएस। अच्छा जी, इसमें चक्कर ये है कि इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो इसमें हमारे NSA हैं, अजीत डोवाल साहब, ही इज वेरी मच इन्वॉल्व। फॉरेन सेक्रेटरी विनय क्वात्रा जी, ये अमेरिका गए हैं, ये इसमें पूरे इन्वॉल्व हैं। कहने की बात ही नहीं है कि डॉक्टर एस जयशंकर, आई नीड नॉट मैंशन, ऑफकोर्स 110% ही इज टोटली इन्वॉल्व इन दिस। तो टुगेदर दीज 3-4 जेंटलमैन आर लीडिंग इट। एंड ये चक्कर क्या है, बायोटेक है, स्पेस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स हैं, ये ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसको हम स्ट्रेटेजिक असेट्स भी कहते हैं। और लिख के ये मुआहदे साइन हो रहे हैं, अग्रीमेंट साइन हो रही हैं कि भाई साहब इंडिया और यूएस इसमें ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल, और यूएस की जो टेक्नोलॉजी है वो यूएस अपना इंडिया के साथ शेयर करेगा, क्योंकि यूएस भी चाहता है कि भारत इतना तगड़ा हो जाए, इतना मजबूत हो जाए कि, अब मैं बताता हूं इसमें चाइना एंगल है क्या दोस्तों, एक मिनट लेके मैं समझा देता हूं आपको। इट इज ओनली इंडिया इन कंप्लीट इंडो पैसिफिक, आप इंडो पैसिफिक बोल लो उसको, और चाइना तो इंडो पैसिफिक बोल, चाइना एशिया पैसिफिक, आपने जो नाम लेना है ठीक है। और मैं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, छोड़ दो एशिया पैसिफिक, छोड़ दो इंडो पैसिफिक, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक देश बताइए विच हैज शोन द करेज, द गट्स एंड द विलिंगनेस टू टेक ऑन द चाइनीज। आप बताइए ना, अपने जहाज चाइनीज जहाज के बगल में उड़ाना, अपना शिप चाइनीज शिप के बगल में, ये सब ठीक है, दीज आर एग्रेसिव जेस्चर्स, ठीक है, इसके लिए भी लीडरशिप चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कौन सा ऐसा मुल्क है, लोग बात कर रहे हैं एशिया पैसिफिक की, लोग बात कर रहे हैं ये यू नो ये पूरे इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं लोग, कि यहां पे इंडिया, यहां पे नहीं, मैं पूरी दुनिया में कौन सी ऐसी कंट्री है विच हैज शोन द विलिंगनेस टू मिलिटरली टेक ऑन द चाइनीज। कौन है चाइनीज के साथ आई बॉल टू आई बॉल, किसने मिरर डिप्लॉयमेंट करी है, किसकी फौजें हैं जिन्होंने खून बहाया है, और चाइनीज का भी और अपना भी, कौन सी फौजें हैं, इट्स ओनली इंडिया। इसीलिए जाहिर सी बात है कि अमेरिका इज ट्राइंग टू कोजी अप टू इंडिया, अमेरिका एक स्टोरी सुनाने की कोशिश कर रहा है इंडिया को कि बॉस आपको जो चाहिए हम आपको देने को तैयार हैं, हम हमारे पास जो टेक्नोलॉजीज हम आपके साथ शेयर करेंगे, चलिए एक पार्टनरशिप करते हैं, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू पार्टनर विद द स्ट्रॉन्ग। अब मोदी जी जा रहे हैं, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, आप लोग कई बार कह रहे हैं सर आप कंपेयर कर लेते हो, कंपेयर, मैं कंपेयर नहीं कर रहा भाई, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूं, मोदी जी जा रहे हैं यूएस, जॉइंट सेशन ऑफ द यूएस कांग्रेस एड्रेस करेंगे, ठीक है, और यहां पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका फोन कॉल उठाना ठीक नहीं समझते वो लोग, इस रूट पर सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस रूट पर सभी लाइनें व्यस्त हैं, बार 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 और टू 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 करके जाता है भाई, तुम्हारा फोन ऐसा नहीं कि वो फोन नहीं उठा रहा, वो तुम्हारा नंबर ही ब्लॉक कर दिया उसने, मुझे लगता है जो बाइडेन ने शहबाज शरीफ का नंबर ब्लॉक कर दिया, पहले इमरान खान का कर रखा था, इमरान खान से भी बात नहीं करना पसंद करता था वो। तो दोस्तों ये स्टोरी है आज की, ये आज की ताजा खबरें थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। और दोस्तों यहां पर मेरा वीडियो खत्म होता है, आज हम सवाल जवाब नहीं लेंगे दोस्तों, मेरा ट्रैवल का प्लान बन रहा है और मुझे निकलना है एयरपोर्ट के लिए, मेरी फ्लाइट है, तो मैं आपसे माफी चाहूंगा, मैं वापस आऊंगा, वीडियोस रेगुलरली आते रहेंगे आपके पास, वीडियोस में आपको कमी नहीं दिखाई देगी, लेकिन क्वेश्चन एंड आंसर्स मैं आपको 2 दिन के बाद लूंगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चलिए यहाँ पे होगी वीडियो खत्म, जो लास्ट वाला है, हाँ बिल्कुल मेजर गौरव सर ने बिल्कुल सही बोला है, हम अपनी तारीफ नहीं करते लेकिन हम खड़े हैं चाइना,
और पूरी दुनिया को पता है कि अगर चाइना का कोई मुकाबला कर सकता है या तो वो अमेरिका कर सकता है या इंडिया कर सकता है। इंडिया इसलिए लोगों के लिए ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि हमारे बॉर्डर्स इनके साथ है। वैसे तो बॉर्डर्स है नहीं, तिब्बत है। मेरी तो यार, मैं प्रशांत धवन सर को भी कहना चाहता हूँ, आप लोग भी प्रशांत धवन सर को ना मैसेज वगैरह डालना कि जब वो मैप दिखाते हैं ना तो वो इंडिया का मैप बड़ा ब्यूटीफुल दिखाते हैं, पूरा अपना पीओके और गिलगित जीबी का एरिया हमारे में दिखाते हैं। तो आप सब लोगों को भी रिक्वेस्ट करना कि जो चाइना का मैप दिखाते हैं ना, जब मैप दिखाते हैं, वो एटलस दिखाते हैं, तो प्रशांत धवन सर तक बात पहुंचाना कि आप ना वहाँ पे तिब्बत का भी एक अलग करके वहाँ पे तिब्बत लिखा करें, क्योंकि जो उनकी अपने प्रशांत धवन सर की वर्ल्ड अफेयर की वीडियो होती है ना, वो लाखों लोग देखते हैं। तो जब भी, क्योंकि वो मैप हमेशा मैप दिखाते हैं, तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ये मैसेज उनके ना कमेंट बॉक्स में भर देना कि प्रशांत धवन सर के वहाँ पे ना मैप पे जो तिब्बत का एरिया है उसको भी मार्क करके आप मार्क करके मैप वो अपने पास सेव करके रख लें, जैसा भी वो रखते होंगे, ठीक है, जेपीजी इमेज रखते होंगे, तो उसमें तिब्बत रख के, उस तिब्बत का एरिया रख के उसमें तिब्बत जरूर लिखा करें, ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, चाइना, जैसे पीओके हम लिखते हैं ऐसे ही आप पाक ऑक्यूपाइड लिखते हैं ना, ऐसे COT लिख दिया करें, चाइना ऑक्यूपाइड बाय ऑक्यूपाइड तिब्बत, ठीक है, COT। अगर ये है मेरी आप रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, जो जितनी भी प्रशांत धवन की वीडियो आती है ना, आप मेरे को पता है सब लोग देखते हो, आप जरूर उसमें कमेंट डालना, हमेशा कमेंट डालना, एक ना एक दिन आपका कमेंट पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा वीडियो पे सब लोगों को रिक्वेस्ट है, बस इतना ही लिखना है आपने एक लाइन में। आप ये 10-15 दिन करोगे ना तो आपको प्रशांत धवन सर की वीडियो पे ना आगे से वो COT लिखा मिलेगा, वो कर देंगे, ठीक है। तो बाकी ये है कि चाइना को तो ये आपको अभी ये पता चल गया होगा कि दूसरी बात कि हमने नेटो प्लस जो है उसमें से भी हमने पैर खींच लिए हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही हमें इतना है कि हम चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, हमें किसी की गुलामी की जरूरत नहीं है, कल को हम नहीं फंसना चाहते किसी के उसमें अलायंस में। तो पार्टनरशिप में अभी जैसे इन्होंने बताया कि पार्टनरशिप में हम करना चाहते हैं, पार्टनरशिप में जो मर्जी हमारे साथ करे, हम इंडिविजुअली हर एक देश को हर अलग अलग तरीके से ट्रीट करना चाहते हैं, हम ग्रुप में किसी को ट्रीट नहीं करना चाहते। तो बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है ये, तो मैं तो मानता हूँ इनके। यार देखो, जरूरत बनो आप किसी की, आपकी जरूरत कोई बने, ठीक है, हम किसी की लाइक हमें ये नहीं होना चाहिए कि अमेरिका को हमारी जरूरत होनी चाहिए, हमें अमेरिका की जरूरत नहीं होनी चाहिए, हमें दुनिया की जरूरत नहीं, ऐसा काम करो। वो एक कहावत है, कई लोग माइंड कर जाते हैं कि खुदा कहावत के लिए तौर पे बोल रहा हूँ कि इतना अपना इरादा मजबूत करो कि खुदा तुमसे खुद पूछे तुम्हारी रजा क्या है, ठीक है। तो अपनी इतनी बुक्कत बना लो कि दुनिया हमसे पूछे, पूछ भी रही है, हमारी बुक्कत है तभी पूछ रही है ना, अमेरिका तभी घूम रहा है पीछे पीछे, मिनते तरले कर रहा है, तभी जर्मन ने अभी समरीन का कर लिया, कोई कोई कर रहा है, पैसा भी बात कराता है, बाकी वो हमने अपनी पुगत खुद बनाई है, अपनी अपनी इमेज खुद बनाई है और अपना पैसा खून पनी दुनिया से पैसा बनाया, आज सारी दुनिया भाग रही है। तो बहुत अच्छा है, चाइना की तो हिम्मत नहीं है कि इंडिया से अब लड़ेगा, वो तो भूल जाए चाइना, वो चाइना को भी पता है, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो, आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो न्यूज़ एंड फर्स्ट को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, और नेशन फर्स्ट की वीडियो जो सब्सक्राइब करके नेशन फर्स्ट के सोल्जर बन जाओ, आपके भाई का साथ दो भाई, आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, जो नए लोग हैं जरूर सब्सक्राइब करके जाना। तो यहाँ तक की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।